नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो में। तो कल रात को मैं गया था गुरुद्वार में, तो वहाँ का जो सिचुएशन था मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैं यहाँ पर हूँ हॉस्टल में, तो आप देख सकते हो यहाँ का कुछ इस तरीके से ये लुक है, और रूम का मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, तो बंक बेड सिस्टम है यहाँ पर। तो ये वाला बेड मेरा है और चार बेड है, और यहाँ पर दो लॉकर है, और आपको सिर्फ ताला अपना खुद का लाना पड़ता है, और चप्पल वगैरह आपको यहाँ उतरना है। खाना वाना कुछ खाना होता आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ भी मिल सकता है जो चाहिए वो। प्राइस थोड़ा इसका हैवी लग रहा है, बट इस तरीके से पूरा इसका रूम है। तो चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। जैसे हम अभी बाहर आए थे, यहाँ पर सामने दिख रही है, और ये इसका यहाँ पर एक चौक जैसा है, और ये बहुत अच्छा मंदिर लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्या है। अभी मैं जा रहा हूँ अपनी इसी लोकेशन पे। तो पहले मैं अभी थोड़ा खाना बना ढूंढता हूँ, फिर चलता हूँ। तो चलो खाना ढूंढते हैं पहले। तो भाई आखिरकार मेरे को लिफ्ट मिली, क्योंकि क्योंकि मैंने हेलमेट खरीद लिया, तो मेरे लिए थोड़ा अच्छा हो गया यार ये। अब मैं हेलमेट ही पहन के चल रहा हूँ पैदल, थोड़ा 1 किलोमीटर। अब देखता हूँ 1 किलोमीटर की लिफ्ट मिलती है कि नहीं मिलती, वरना 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो हेलमेट से बहुत अच्छा काम हो गया मेरे को, 2-3 किलोमीटर की लिफ्ट मिल गई। तो अब चलो जल्दी से उम्मीद भवन की तरफ, और फिर अपने को नेक्स्ट लोकेशन में सोच रहा था अजमेर चला जाऊँ, अब सोच रहा हूँ कि मैं उदयपुर चला जाऊँ। तो अभी कन्फर्म नहीं करता मैं, पहले ये देखते हैं। और भूख लगी, अभी भी मैंने खाया कुछ खाया नहीं है। हेलमेट के चक्कर में बहुत भागा दौड़ी कर दी, हेलमेट लेने के चक्कर में अभी मैं 1.5 किलोमीटर चला हूँ। कहाँ पर इसका हेलमेट का वो स्टोर था, लोकल स्टोर, तो वहीं से मैंने ये कैप हेलमेट लिए, 100 रुपीज़ का पड़ा। अब ये वर्थ होगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारी जगह पर ये काम आ जाएगा। तो चलो जल्दी से चलते हैं आगे। तो गाइस, यहाँ पर एक रेलवे का पुल है छोटा सा, उसको क्रॉस करते हुए मैं आगे जा रहा हूँ। पर आपको एक गुरुद्वारा के बारे में मैं बताने वाला था, तो वो रह गया था। तो जब मैं ये नाइट स्टे किया है यहाँ पर हॉस्टल में, इससे पहले मैं गुरुद्वार में गया था पूछने के लिए, तो वहाँ पर मेरे साथ मतलब नहीं हुआ, मतलब गुरुद्वार में रूम बुक नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ का प्राइस मुझे वो बता रहे थे 500 रुपये, और अवेलेबल भी नहीं था, और जो अवेलेबल था उनको भी वो 500 कुछ ऐसे बता रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, हम नहीं चाहिए भाई, फिर ऑनलाइन देख लिया इसको मैंने। तो अभी जिन भाई साहब ने मेरे को लिफ्ट दी थी, वो उन्होंने मुझे यहीं पे उतारा था, फिर वो अपने यहीं से कहीं आसपास जाना था इसलिए वो चले गए। अब यहाँ से हम थोड़ा पैदल जाएंगे, और पीछे से कोई गाड़ी वाला आएगा तो हम लिफ्ट लेने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो अभी भी एक और लिफ्ट मिली यहाँ से, अभी आया भैया ने मेरे को यहाँ पर बाइक उतारा, और सामने वो गेट है वहीं से जाना है ऐसा भैया ने बोला। और यहाँ से कुछ इस तरीके से ये पूरा लुक आ रहा है भाई। एक काम बहुत मेरा अच्छा हो गया यार, हेलमेट लेके मैंने बहुत अच्छा कर लिया भाई। कल ले लेना चाहिए था, पर यार चलो देर से पर आज थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को यार। तो चलो जल्दी चलते हैं आगे, देखते हैं यार उम्मीद पैलेस को। तो हमारे आने वाली वीडियो में यही पैलेस है, उम्मीद भवन पैलेस जो आप कह सकते हैं हम इसको, तो इसको विजिट करेंगे, फुल अंदर टूर देखेंगे, तो मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, जल्दी आ रहे हैं हम। ठीक है, चलो बाय।